और मौजूदा स्थिति क्या है, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, कैसे चीन बार बार बौखलाया हुआ हरकतें कर रहा है, इस पर तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड कर्नल रोहित देव हमारे साथ हैं, रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ हैं और रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देना चाहिए और हिंदुस्तान की सेना तैयार भी। मोहम्मद अली शाह साहब, सीधा सवाल आपसे, क्या बातचीत का जो दौर है अब वो वक्त आ गया है कि बिल्कुल उसको बंद कर देना चाहिए और जैसे बख्शी साहब कह रहे हैं उखाड़ के फेंक देने का समय आ गया है? बिल्कुल भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, हमने पॉलिटिकल टॉक्स की कोशिश करी चाइना के साथ, नहीं हुआ कुछ। डिप्लोमेटिक टॉक्स करी, कुछ नहीं हुआ। इसका तरीका, इसका इलाज एक ही है, वो है मिलिट्री मेथड्स प्रयोग करना। और मैं आपको बता रहा हूं ये बात दावे से, जब हम मिलिट्री मेथड्स का प्रयोग में लेके आएंगे, चाइना वैसे ही थड़ाथड़ कांप रहा है, उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी, वो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के बैठेगा वहां पे दुम दबा के। और मैं ये भी बोल दूं, अभी इस वक्त इस चैनल पे हम लोग जितने भी लोग जो कुछ जिक्र कर रहे हैं, मैं हमारे दर्शकों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि कुछ ऐसा जिक्र नहीं होगा जिससे हमारे नेशनल सिक्योरिटी को जो कॉम्प्रोमाइज में आएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे देशवासियों को भरोसा होना चाहिए, उनका मनोबल बल ही बढ़ाएगी। केवल मैं आपको बताता हूं 1962 मार्च में क्या हुआ था। हमारी एक गुरखा ट्रूप्स थी वहां पे बॉर्डर पे, चाइनीज ट्रूप्स आई लाउडस्पीकर लेके और हमारे गुरखा ट्रूप्स को बोलने लगी कि भाई तुम इंडियन आर्मी के साथ में मिलकर क्यों लड़ रहे हो हमारे साथ, तुम अपने देश वापस जाओ। मैं बताऊं, जो वफादारी जो ईमानदारी गुरखा ट्रूप्स में है, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया वहां चाइनीज का। चाइनीज दौड़े वहां से, कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। अब आप देखिए, चाइना बौखला के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहा है वहां पे, पंजाबी म्यूजिक हिंदुस्तानी म्यूजिक बजा रहा है बॉर्डर पे। जी, इसी तरीके से चाइना की सामने आती है। आपकी यही बात लेकर अपने डिफेंस एक्सपर्ट के पास हम जाएंगे। आशीष बता रहे हैं कि पहले से अब में जमीन आसमान का अंतर है। मेजर अली शाह, दिल को सुकून मिली होगी, संतुष्टि हुई होगी कि आज सेना पूरी तरह से संसाधनों से लैस है। बिल्कुल 100% दिल को सुकून मिला और हमेशा से था वो इत्मीनान, मेरे को हमेशा से था। मैं हमारे देशवासियों को यो यकीन देना चाहता हूं कि वो सोएं आराम से, क्योंकि हमारे भारतीय फौज हमारी सरहदों पे उनकी हिफाजत कर रही है। लोग चैन से सोते हैं क्योंकि बॉर्डर पे हिंदुस्तानी फौज वहां पे अटल रहती है, तैनात रहती है। भाई, उरी फिल्म का एक डायलॉग था, हाउ द जोश, ये डायलॉग नहीं, ये हकीकत में हम फौज में बोलते हैं। और उसमें ये भी कहा गया था कि ये लड़ाई इंडियन आर्मी ने शुरू नहीं की थी, बट वी वेल ब्लडी वेल फिनिश इट, और हम करेंगे इसको और हम दिखाएंगे चाइनीज आर्मी को कि हम क्या हैं असल में। आप देख लीजिए हमको वैसे ही स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज कितना है, कितना फायदा है हमको। क्योंकि चाइना जो बॉर्डर है, इंडो टिबेट बॉर्डर, जब चाइनीज जहाज वहां से टेक ऑफ करते हैं, वहां की ऊंचाई ऐसी है कि वो अपने पेट्रोल की टैंकी में केवल हाफ पेलोड ऑफ फ्यूल, मतलब के केवल आधा लीटर उनका पूरा पेट्रोल टैंक आधी भरती है, तो जाहिर सी बात है तो उनका फ्लाइंग टाइम भी लिमिटेड होगा 40, है ना। मगर वो हिंदुस्तान आर्मी के साथ नहीं है। चाइनीज जनरल्स ने हिंदुस्तान आर्मी के बारे में, उनके माउंटेन वॉरफेयर के बारे में डॉक्यूमेंटेड किस्से लिखे हैं। और चाइनीज आर्मी आप देख लीजिए, उनका सिर्फ बजट, डिफेंस बजट हमारे से तकरीबन 4 गुना ज्यादा है, तो लोग सोचते हैं कि हाँ भाई बहुत ताकतवर होंगे। हाँ। भाई पैसे ज्यादा खर्च करने से अगर कोई मेरे को इस बात की गारंटी दे दे कि आप मजबूत बन जाएंगे, तो मैं भाई हम भी पैसे खर्च करने को तैयार है, लेकिन ना। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है। सन त्ज़ू एक चाइनीज ऑथर है जिन्होंने एक किताब लिखी थी चाइना में, द आर्ट ऑफ वॉर, जैसे कि हिंदुस्तान में चाणक्य रीति हो गई कौटिल्य, वैसे ही सन त्ज़ू में चैप्टर 4 पैराग्राफ 3 लाइन 2 में लिखा है, द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर्स विदाउट फाइटिंग, मतलब बिना लड़े ही आप युद्ध को जीत जाएं। अब चाइना वही तो चाह रहा है, वो और तो यही कोशिश लगातार चीन करता है। संख्या बल के आधार पर ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो जोश, जज्बा और साहस कहीं से कहीं तक टिकता नहीं हिंदुस्तानी सेना के आगे।
मैं और जोड़ना चाहूंगी और मेजर शाह से मेरा ये सवाल होगा। आपने कहा 1962 का दौर अलग था, तब मीडिया कवरेज नहीं थी, तब इतना ज्यादा लोग अवेयर नहीं थे, इतना ज्यादा जान नहीं पाते थे। एक एम है मोराल, आज सेना का जो मनोबल है वो बहुत ज्यादा हाई है, जोश बहुत ज्यादा हाई है, जिसका रिजल्ट ये है कि पिछले दिनों हमने देखा वो विवादित चोटियां जहां पर चीन का कब्जा था, आज वहां तिरंगा फहरता है, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, और यही स्ट्रेटेजी अब होनी चाहिए हिंदुस्तान की आगे भी। आपने ना बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं अभी आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूं। मैं अभी हमने कहा आशीष जी वहां पे है और आशीष जी बिना अक्लेमेटाइजेशन के, बिना अक्लेमेटाइजेशन के वहां पे पहुंच गए हैं कि मैं उनकी दाग देता हूं उनकी हिम्मत की। फौजी सिपाही हम लोग भी अब जाते हैं तो कुछ दिन लगा के धीरे धीरे गति से हम वहां पे पहुंचते हैं। आप देखिए ना गलवान वैली के हमला 15 जून 16 जून के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे पहुंचे थे बिना एक्लेमेटाइजेशन करे, उनकी उम्र कितनी थी? उतनी उम्र पे तो इंसान फौज से जनरल बन के रिटायर भी हो जाता है ना। अब मैं आपको सुनाता हूं ये छोटा किस्सा, ये मैंने पर्सनली देखा है। हम लोग जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में थे, हमारे एक जवान को गोली लग गई थी। खैर हमारा जवान था, हमारे नेबरिंग जवान को, एक जवान हमारे सामने, तब सीओ साहब, कमांडिंग ऑफिसर जो होता है, सीओ साहब आए देखने के लिए। तो लोगों ने बोला अरे सीओ साहब आ गए, सीओ साहब आ गए। और जिस जवान को गोली लग गई थी, जो लेटा हुआ था चित, वो खड़ा हो गया वहां से और बोला जैन साहब। और ये था जोश, ये था मोराल, ये था मनोबल। और जब आप जैसे का चैनल इतना मनोबल बढ़ा रहा है लोगों का, तो आप सोच सकते हैं फौजियों का क्या, रिटायर्ड फौजियों, जो एक्स सर्विसमैन है जो फौज में नहीं है, उनका मनोबल क्या होएगा? तो मनोबल की बात करें तो यस, बहुत ही जोश, जज्बा, जुनून दौड़ता है और अभी भी लगता है कि भाई वर्दी डालो और पहुंचो बॉर्डर पे और उनको सबक सिखाओ वहां पे। मैं आपको बताता हूं एक बात, चाइना जो है ना, अभी आज देखिए, आज कंफर्म हुआ उन्होंने नेपाल में घुस के कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है लिपी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पिथौरागढ़ से 70 किलोमीटर की दूरी पे है, और पिलर नंबर 11 और पिलर नंबर 12 पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चढ़ा दिया है जो बॉर्डर में है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने अब वो उनका तो चाइना को फेवर करते हैं, लेकिन जब जीपीएस के जरिए, जब लार्ज स्केल इमेजिंग के जरिए ये साबित होएगा कि कितना चाइना नेपाल के अंदर घुस के साबित हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलती, टेक्नोलॉजी गलत भी नहीं होती वहां से, ना ही वो भेदभाव करती है, वो बस वो भाषा जो हकीकत है, फैक्ट वो समझती है। जब केपी ओली साहब को ये दिखेगा टेक्नोलॉजी के जरिए कि चाइना ने उनके देश में घुस के वहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया है, और यही पॉइंट जब वो वापस चाइना को लेके जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? उन्होंने आज की बात है, मैं आपको बता रहा हूं खबर, उन्होंने वहां पे नेपाल की टेक्स्ट बुक